हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। देश भर में कांग्रेस अपने अपने अलग अलग इकाइयों और संगठनों के जरिए भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोले हुए हैं। बढ़ती कीमतों के विरुद्ध में कांग्रेस केंद्र सरकार को चौतरफा घेर रही है। सरहदी बाड़मेर में सोमवार को केंद्र सरकार के खिलाफ युवा कांग्रेस सड़कों पर उतरी नजर आई। युवा कांग्रेस बाड़मेर द्वारा बाड़मेर जिला मुख्यालय पर केंद्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया। बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल गैस की बढ़ती कीमतों के विरुद्ध में युवा कांग्रेस ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन में केंद्र की नीतियों के खिलाफ जबरदस्त विरोध दर्ज करवाया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाकर महंगाई के विरुद्ध में नारेबाजी की। जिला मुख्यालय पर कलेक्टर कार्यालय के ठीक आगे युवा कांग्रेस के इस धरना प्रदर्शन को कई वक्ताओं ने संबोधित करते हुए केंद्र सरकार द्वारा डीजल पेट्रोल की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि के खिलाफ असंतोष जाहिर किया। उनका आरोप था कि प्रधानमंत्री खुद मन की बात करते हैं, लेकिन आम आदमी के दिल की बात नहीं सुनते। उनका आरोप था कि बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी से आम आदमी का जीवन पूरी तरह प्रभावित हुआ है, जिससे उनके सामने भूखमरी जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। युवा कांग्रेस के इस प्रदर्शन में बाड़मेर जिला प्रमुख महेंद्र चौधरी, युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष लक्ष्मण गोदारा, कांग्रेस जिला अध्यक्ष फतेह मोहम्मद, शिव प्रधान महेंद्र जानी, NSUI जिला अध्यक्ष राजेंद्र कड़वासरा, महिला जिला अध्यक्ष मूली चौधरी सहित कई कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। जागरूक टीवी के संवाददाता से युद्ध कांग्रेस जिला अध्यक्ष लक्ष्मण गोदारा, इनका कहना है कि मेरा नाम लक्ष्मण गोदारा है, मैं युवा कांग्रेस का जिला अध्यक्ष हूँ। और जैसा कि पूरे देश के अंदर 7 से लेके 17 तक कांग्रेस द्वारा महंगाई के खिलाफ धरने रखे गए, उसी के तहत आज यूथ कांग्रेस बाड़मेर ने भी धरना रखा है। और देश के अंदर इस कोरोना महामारी के साथ साथ जो मोदी सरकार ने महंगाई और पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ाए हैं, वो उसके कारण आमजन बहुत परेशान है और महंगाई बढ़ती जा रही है। और इसी के तहत मोदी जी ने भी जब पहली बार 2014 के अंदर आए थे, उन्होंने बोला था कि कांग्रेस के खिलाफ बोला था कि जो कम से कम आप अटल बिहारी वाजपेयी जैसे भाव वापस ले आए, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा आप मनमोहन सिंह जी के जो भाव थे वही आप आज पेट्रोल डीजल के ले आए, तो आमजन को राहत मिलेगी। जागरूक टीवी के बाड़मेर से ठाकराराम मेघावल की रिपोर्ट।